Hello students, welcome to our lecture number 7 where we are going to solve numericals based on electric field intensity. तो अगर आपने previous lecture नहीं दिया देखा है जिसमें हमने इसके concept बताए हैं तो first आप previous lecture देखिए then you come to solve numericals based on it. Okay? तो चलो चालू करते हैं. बहुत सारे sums करेंगे हम इसमें, बहुत सारे concept discuss करेंगे. पहला सम से स्टार्ट करते हैं. आई होप एवरीवन हैव सीन द लेक्चर नंबर 6 जहां पे मैंने इसके फॉर्मूले डिस्कस किए. तो अभी यहां पे हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं. टू पॉइंट चार्जेस, वैल्यू दिया है 5 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड 20 × 10⁻¹⁹ कूलम. ये दो वैल्यूज दिए हुए एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. चलो भाई सोच लो, एक की वैल्यू है 5 × 10⁻¹⁹ कूलम, दूसरे की वैल्यू है 20 × 10⁻¹⁹ कूलम और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 2 मीटर. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम. ये दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. अब मुझे बताओ कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है. जब इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो इक्वल एंड अपोजिट होगा उस पॉइंट पे बच्चों, ठीक है. इसने Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और Q2 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उस पॉइंट पे बच्चों, आई कैन से एट दैट पॉइंट वेयर इन दोनों का फील्ड इक्वल एंड अपोजिट रहेगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगी. चलो एक काम कर लेते हैं, वो पॉइंट P ले लेते हैं. लेट P बी दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और P का डिस्टेंस इस चार्ज से x डिस्टेंस पे है. तो ये कितना हो जाएगा, 2 − x, मानते हो कि नहीं. तो P ऐसा पॉइंट है जहां पे Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनाया, गारंटेडली उस तरफ. जब भी आपको डायरेक्शन देखना है तो आपने वो क्या करना है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखो, फील करो यहां पे अपने पॉजिटिव चार्ज रखा है. तो ये पॉजिटिव तो रिपेल कर देगा, तो ये E1 है. ये Q2 पॉजिटिव है और यहां पे मैंने फील किया है कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये भी रिपेल करेगा. तो जैसे E1 E2 आप देखो ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 इज इक्वल टू E2 अगर हो गया, ठीक है, वहां पे फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो. देयरफॉर एट पॉइंट P टोटल इज जीरो, क्योंकि इसने जो फील्ड बनाया और इसने जो फील्ड बनाया, ये दोनों चार्जेस ने जो फील्ड बनाया वो इक्वल एंड अपोजिट है. फॉर्मूला क्या है, के जो फील्ड बनाता है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है, एक्स इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है, के जो फील्ड बनाता है, E2 के केस में फील्ड कौन बना रहा है, Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 − x द होल स्क्वायर. बच्चों के और के कैंसिल हो जाएगा. Q1 की वैल्यू दी है 5 × 10⁻¹⁹ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 × 10⁻¹⁹ अपॉन 2 − x द होल स्क्वायर. 5 × 1 = 5, 3 × 10⁻¹⁹ −19 क्या हो गया, कैंसिल. ओके तो अभी हम क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाईज. तो ये आएगा 2 − x द होल स्क्वायर, ये इधर चला गया, इज इक्वल टू 3x², ठीक है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 4 − 4 − 4x + x² इज इक्वल टू 3x², बराबर कि नहीं. तो इन सबको वहां पे लेके जाओ, तो ये आएगा x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x² + 4x − 4 = 0, है कि नहीं. ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको चाहिए तो वी कैन सॉल्व दिस डायरेक्टली ऑल्सो. ओके मेरे ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट. 5 × 1 = 5, 4 = 15 नहीं 20 है, 5 × 4 = 4 है,
ओके okay? तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - x² इज इक्वल टू 4x², स्क्वायर रूट लेते दोनों जगह पे, तो 2 - x इज इक्वल टू 2x, है ना। और इसमें क्या होता है, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इसमें प्लस और माइनस आता है कि नहीं, तो ये प्लस और माइनस हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके सो 2 - x इज इक्वल टू 2x, ये एक इक्वेशन बनेगा, या फिर 2 - x इज इक्वल टू -2x, ये एक इक्वेशन मिलेगा। तो इससे सॉल्व करोगे इजीली, तो इतना स्टेप करने का जरूरत नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मैंने गलती से लिख दिया था। तो ये x का वैल्यू क्या आएगा 2/3 मीटर, और x का वैल्यू क्या आएगा -2 मीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू -2 मीटर जो है, -2 मतलब इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव इस तरफ आता है ना। x कहां से काउंट कर रहे हैं अपन, q से, +2/3 मतलब x इस तरफ कैलकुलेट किया, और -2 मतलब x इस तरफ कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये थोड़ा अपन थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके फॉर एग्जाम्पल आप एक इमेजिन करो कि इसमें कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखो ये दो चार्जेस है, बराबर है, ये दो चार्जेस है, और हमने पॉइंट P यहां पे लिया, और ये x है, और x की वैल्यू हमें 2/3 मिली, और x की वैल्यू हमें -2 मिली मीटर में। तो ये वैल्यू आएगी कि ये वैल्यू आएगी, इन दोनों में से चॉइस करना। x की वैल्यू 2/3, x मतलब आपने यहां से मेजर किया तो पॉजिटिव मतलब इस तरफ हो गया, और x की वैल्यू -2 मतलब कहीं इस तरफ हो गया। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है क्या? तो आंसर है कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा E1, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा, दैट इज E2। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो वो अपोजिट हो सकते हैं क्या? नहीं। हां, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो गारंटेडली इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर इस तरफ या फिर इस तरफ जीरो हो जाएगी, बीच में कभी जीरो नहीं आएगी। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सोचो दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, तो उनके बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड इस पॉइंट पे फील्ड कैसे बनाएगा? उस तरफ। इमेजिन करो कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा है, फील करो कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिपल करेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो देखो डायरेक्शन सेम हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया, तो कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर आप अगर सोचो पॉइंट इस तरफ है, तो ये Q2 क्या करेगा? यहां पे फील्ड अट्रैक्शन का लगाएगा, है ना, और ये क्या करेगा? पॉजिटिव है तो ये रिपल करेगा, तो Q1 रिपल करेगा E1 फील्ड उस तरफ है, और Q2 अट्रैक्ट करेगा E1 फील्ड इस तरफ है। तो देखो इस साइड पे दोनों अपोजिट बन रहे कि नहीं बन रहे। तो ये मुझे लग रहा है कि एक स्टेटमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू लाइक चार्जेस बोलते हैं। मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है, ठीक है, देखो यहां पे जैसे दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। दोनों अगर नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब लाइक चार्जेस रहेंगे तो दोनों के बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पर अगर अनलाइक चार्जेस रहेंगे, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तो आइदर इस तरफ या फिर उस तरफ, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ओके तो ये पॉइंट आप याद रखो, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए रहेंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू 2/3, एक्स की वैल्यू -2, तो आंसर क्या लिखेंगे? 2/3, ठीक है। चलो टू पॉइंट चार्जेस Q1 0.2 कूलम, Q2 0.4 कूलम आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट। चलो भाई दो चार्जेस है, एक की वैल्यू 0.2 कूलम है, दूसरे की वैल्यू 0.4 कूलम है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों में डिस्टेंस 0.1 मीटर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, किस दर मिड पॉइंट पे। तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा डायरेक्शन मायने रखता है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी,
तो डायरेक्शन मायने रखता है कि नहीं? चलो आप डायरेक्शन बताओ कैसे आएगा, थोड़ा सोचो आप। ये पॉजिटिव है, फील करो यहाँ पे आपने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा, हाँ या ना? और ये भी पॉजिटिव है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा, ठीक है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी E1 माइनस E2। चलो मैं इधर मॉड डाल देता हूँ, ठीक है? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे। अपने को अभी कहाँ पे फाइंड करने का है, मिड पॉइंट पे फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, मिड पॉइंट पे। चलो E1 का फॉर्मूला क्या है, के Q1 अपॉन R2, है ना? के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻¹। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0.2। और दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 0.1 है। अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 0.1 है तो चार्ज और मिड पॉइंट पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 0.05। तो 0.05 का स्क्वायर, 0.1 का हाफ, मतलब 0.05, ठीक है? इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू लगभग आएगी 7.2 × 10⁻¹ न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली E2 फाइंड कर लेते हैं। E2 क्या है, के Q2 अपॉन डिस्टेंस, तो वही है मिड पॉइंट पे। के की वैल्यू 9 × 10⁻¹, ये 0.4 है और डिस्टेंस वही है, मिड पॉइंट पे ही फाइंड करना है। तो ये आंसर आएगा 0.2 और ये 0.5, मतलब डबल होएगा। डबल होएगा मतलब कितना आएगा, 14.4 × 10⁻¹, है ना, न्यूटन पर कूलम। तो E2 E1 से बड़ा है कि नहीं, E2 गारंटेडली E1 से बड़ा है, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है। तो नेट क्या आएगा, इट इज E2 माइनस E1, है ना? E2 माइनस E1 हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, दिस 14.4 × 10⁻¹ माइनस 7.2 × 10⁻¹, ओके, तो आंसर आएगा 7.2 × 10⁻¹ न्यूटन पर कूलम। और E2 बड़ा है तो E2 के डायरेक्शन में आएगा। E2 का डायरेक्शन देखो आप, इस तरफ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी, ठीक है? इजी। चलो नेक्स्ट पढ़, बहुत सुपर हिट समय है, ठीक है? यू कैन सी यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, और कुछ चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं, 50 प्लस 50 डी पे रखा है, यहाँ पे माइनस 50 रखा हुआ है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये वाला चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेट दैट बी E1 ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए, ऐसा लिख दे। चलो मतलब इसने यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फॉर्मूला क्या है, के इंटू 50 × 10⁻¹ चलेगा ना, 50 माइक्रो कूलम है, तो 50 × 10⁻¹ अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है? तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर हम चेक कर लेंगे। ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, ओके। थोड़ा ना मैं ये जो डेटा है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, ये कूलम में है सारे चार्जेस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ये कूलम में है सारे चार्जेस, तो ये नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 वन जा 2 जा, तो इसका आंसर 2 के आएगा, ओके। तो इसने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी वैल्यू कितनी है, 2K। K की वैल्यू अपन लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2K। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2K बनाया। अभी उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, तो डायरेक्शन गारंटेडली इस तरफ रहेगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखा तो ये E1 का डायरेक्शन होगा, ठीक है? चलो ए पॉइंट का हो गया, अभी इसका फाइंड करते हैं। ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी जो बनाता है, लेट अस से E2, है ना? फॉर्मूला क्या है, के उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 50, है ना, माइनस नहीं लिया तो भी चलेगा, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, 5 का स्क्वायर, इसका आंसर भी माइनस 2 के आएगा, ओके। मतलब ये क्या करेगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करने वाला है, ये E2 है। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, और इधर पॉजिटिव चार्ज रखो, फील करो, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अभी ड्यू टू
चार्ज एट पॉइंट डी, डी पे जो चार्ज है वो कहां पे कितना बनाता है। अभी थोड़ा सोच लो, ये डिस्टेंस, ये यहां पे कितना बना था, डिस्टेंस 5 था डायरेक्ट लिख दिया, ये यहां पे कितना बना था, डिस्टेंस 5 था डायरेक्ट लिख दिया, डी यहां पे कितना बना था, डिस्टेंस 5 नहीं है, तो अपने को पहला बीसी फाइंड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर आएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, है ना, ये 5 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना मिलेगा, रूट ऑफ 50, मतलब 5√2 आया कि नहीं, कितना आया 5√2। तो D और B के बीच में डिस्टेंस 5√2 है, तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। चलो E3 बता, फॉर्मूला क्या आएगा, K into इसकी वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 5√2 का स्क्वायर, तो K into 50 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 into 25 50, ये कैंसिल हो गया, आंसर किया है। और इसने कैसे बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाया, इसको अपन नाम देते E3, चलेगा। तो चलो अभी हमको समझ गया कि E1 ने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, E2 ने ऐसे बनाया और E3 ने इस तरफ बनाया। अभी तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो ऐड कैसे करने का टेक्निक देख के लो, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते। देखो मैं क्या करूंगा, एक मैं कंपोनेंट निकालूंगा x के अलोंग और एक मैं कंपोनेंट निकालूंगा वो y के अलोंग। जैसे मैंने E3 को रिजोल्व कर दिया, सोचो, है ना, ये गारंटेडली 45 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये बराबर बाइसेक करके जाएगा, तो ये 45 डिग्री है। तो ये हो जाएगा E3 cos 45 डिग्री और ये हो जाएगा E3 sin 45 डिग्री, आप समझ रहे हो। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये ऐसे E1 है, ओके, ये ऐसे E2 है और इस तरफ E3 है 45 डिग्री पे। तो मैंने E3 को रिजॉल्व कर दिया, बात समझ में आ रहा है, E3 को मैंने रिजॉल्व कर दिया, तो ये हो गया E3 cos 45, ये हो गया E3 sin 45। तो व्हाट इज E अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस पे E की वैल्यू कितनी है, तो दोनों इस तरफ है, है ना, तो E1 प्लस E3 cos 45, E1 का वैल्यू कितना आया 2k और E3 की वैल्यू कितनी आई k, cos 45 1/√2 होता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसका अभी मैं k कॉमन निकालता हूं तो 2 प्लस 1/√2, ये x पे हो गई वैल्यू, इज इट क्लियर, 2 प्लस 1/√2। अभी मुझे बताओ y पे कितना है, y पे कितना है बताओ, y पे क्या है, ये ऊपर देख रहा है ये नीचे देख रहा है, समझे, ये ऊपर देख रहा है ये नीचे देख रहा है, गारंटेडली इट इज E2 माइनस E3 साइन 45, है ना, ये बड़ा है ये छोटा है क्योंकि ये साइन 45 के साथ है। E2 की वैल्यू हमें 2k मिली है माइनस E3 की वैल्यू k इंटू 1/√2, है ना, E3 की वैल्यू k cos sin 45 1/√2 है, 2 कॉमन, k कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2 माइनस 1/√2। अभी समझा क्या हो गया, ये जो फोर्स है ना इसको मैंने ऐसे कर दिया कि भाई एक ex मिला है और एक ey मिला है, वो कि नीचे की तरफ है, क्यों नीचे की तरफ मिला है, क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन दिस, इसकी वैल्यू 2k, इसकी वैल्यू k है प्लस उसको sin 45 से मल्टीप्लाई किया, तो ये गारंटेडली छोटा है, ये गारंटेडली बड़ा है, तो ey माइनस ex आएगा, मानते हो कि नहीं, ये ey माइनस ex आएगा, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा ना बच्चों, नहीं समझा, ये रिजल्टेंट कहीं बीच में आने वाला है, बात समझ में आ रहा है। तो ये रिजल्टेंट अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इट इज रूट ऑफ पाइथागोरस, ये रिजल्टेंट जो है इट इज ex² प्लस ey², तो रूट ऑफ ex, ex क्या है, k² 2 प्लस 1/√2 द होल स्क्वायर, है ना, प्लस k² 2 माइनस 1/√2 द होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अभी आप यहां से k² कॉमन निकालो, k² कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 प्लस 1/√2 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/√2 द होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे आप सॉल्विंग करो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर सॉल्व करो, बाहर तो k आ जाएगा, है ना, बाहर क्या आ जाएगा k, और रूट के अंदर जो बचेगा वो बचेगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 बचेगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3k, कितना आएगा 3k, और 3 की वैल्यू, अब k की वैल्यू अपने को पता है 9 × 10⁹, सो फाइनल आंसर इज 21 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो बहुत बड़ा सम था, बहुत बड़ा सम था, पर इजीली हमने सॉल्व किया, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वेक्टर एडिशन आपको करने को है कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई किसने, E1 ने भी बनाई, E2 ने भी बनाई, E3 ने भी बनाई, और फिर तीनों को ऐड किया, कैसे ऐड किया, E3 को रिजोल्व कर दिया, तो X कंपोनेंट फाइंड कर दिया इन दोनों को ऐड करके, Y कंपोनेंट फाइंड कर दिया इन दोनों को ऐड करके, और फिर यहाँ पे अपना पैरेललोग्राम लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, बट थोड़ा a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लुक एट दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पूछा है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये जो चार्ज है इसने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा, इसको मैं नाम देता हूं E1, चलेगा, इसने यहां पे फील्ड जो बनाया उसका मैंने नाम दिया E1, और इसने यहां पे जो फील्ड बनाया उसका मैं नाम देता हूं E2, उस तरफ बनाएगा क्योंकि पॉजिटिव है ना बच्चों। अभी मुझे बताओ E1 और E2 दोनों सेम है, चेक करो, E1 और E2 सेम है, E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R2, K तो दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों का चार्ज भी क्यू है, और R मतलब दोनों का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी सेम है, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो E भी सेम रहेगा ना यार, तो ये जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ये वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो कैसे बनाया, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो भाई E1 वेक्टर कैंसिल E2 वेक्टर, तो चलो इन दोनों ने तो अपना अस्तित्व मिटा दिया, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बच गया अभी ये वाला, तो ये यहाँ पे कितना बना था वही फाइंड करना है, तो अल्टीमेटली मुझे जो E यहाँ पे जो टोटल मिल रहा है इस पॉइंट पे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ चार्ज एट पॉइंट B, जिसका फॉर्मूला क्या है, KQ/R2, बराबर कि नहीं, फॉर्मूला क्या है, KQ/R2, अभी R अपने को निकालना है, R के लिए उसने ये मतलब ये R अपने को निकालना है, बराबर कि नहीं, ये R अपने को निकालना है, तो R क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कि नहीं आएगा, अब मुझे बताओ अगर ये 90 डिग्री है और ये A है और ये A है, तो ये गारंटेडली 45 डिग्री होगा, है कि नहीं, क्या रहेगा वो 45 डिग्री, एंड साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज, व्हाट इज साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, इट इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, A है, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो बच्चों, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये 90 है, अगर ये 90 है तो 45 के अपोजिट वाला जो साइड है वो 1/√, मतलब R की वैल्यू a/√2 रहेगी, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो E क्या आएगा, KQ/a/√2 द होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा KQ√2 का 2 आता ऊपर जाएगा / a² ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इजी है, तो ऐसे इजीली कर सकते, देखो सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल यूज हो रहे, तीन तीन फोर्स एक्ट हो रहे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जो रिजल्टेंट रहता है वो हमेशा तीनों का वेक्टर एडिशन रहता है, तो जब तीन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे तो हमने क्या कर दिया, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर देखा कि भाई तीसरा वाला क्या है, पर अभी यहाँ पे ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो सम काफी इजी हो गया, इज इट क्लियर, ठीक है, लुक एट दिस सम, ये काफी सिंपल सम है, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिए, लेक्चर पॉज करिए, देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप, एक वाटर का ड्रॉप है उसको सपोर्ट करना है, उसका मास कितना दिया है 10⁻³ kg,
और उसके ऊपर चार्ज है, इस वाटर ड्रॉप पे चार्ज है, इस वाटर ड्रॉप पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एक चार्ज है। अब मुझे बताओ इस ड्रॉप नीचे गिरेगा, क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि उसके ऊपर वेट लग रहा है। ड्रॉप नीचे क्यों गिरेगा, उसके ऊपर वेट लग रहा है। और भाई इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस ड्रॉप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप सोचो मैंने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, मैंने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, सोचो एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बनाया तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा क्या लगता है, फोर्स लगता है। लास्ट लेक्चर में सिखाया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, और फोर्स कैसे लगेगा, इन दी डायरेक्शन, कैसे लगेगा, इन दी डायरेक्शन। और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू ई, चाहिए तो लास्ट लेक्चर देख लो, समझ में आ रहा है। तो वेट नीचे की तरफ है, ड्रॉप को वेट नीचे खींच रहा है, वेट नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहां बनाई, ऊपर की तरफ बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं ऊपर की तरफ बनाता हूं तो ये चार्ज पे ऊपर की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। अगर ये फोर्स वेट को बैलेंस करेगा तो गारंटेडली ये ड्रॉप जो है वो सपोर्ट हो जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो अगर ड्रॉप सपोर्ट कर रहा है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट उधर ही है, नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब ये जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। अपने को E फाइंड करना है, एम जी अपॉन क्यू, मुझे लग रहा है सारे वैल्यूज दिए हुए, 10⁻³, जी का वैल्यू 9.8 है और ये 1.6 × 10⁻¹⁹ है। इसको आप सॉल्व करो, इसका आंसर लगभग 6.125 × 10⁻½ न्यूटन पर कूलम आता है, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम, कॉइन का मास दिया हुआ है, सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब मुझे बताओ एक कॉइन है, एक कॉइन है और उस कॉइन का वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg। मैं चाहता हूं कि ये कॉइन उधर ही रहे, तो मैं फील्ड कहां लगाऊंगा, नीचे की तरफ लगाऊंगा कि ऊपर की तरफ लगाऊंगा। अभी इसने क्या दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, मतलब इस कॉइन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे अपन, है ना, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कितना साइन आएगा, प्लस ई। दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो प्लस टू ई आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इस कॉइन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 3e आएगा, बात समझे। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस कॉइन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, e। दो इलेक्ट्रॉन निकाले, इस कॉइन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2e। तीन इलेक्ट्रॉन निकाले, इस कॉइन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 3। अभी आप ऐसा सोचो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, ne, है ना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटेडली ऊपर की तरफ रखना है आपने को, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम, ये दिया है, इस बार ये वैल्यू दी हुई है, इधर फाइंड किया, इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू कहां लगी है, ऊपर की तरफ लगेगी, तो ही इस कॉइन पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज क्यू ई। फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लगेगा, समझा, क्यू ई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अभी वेट और क्यू ई गारंटेडली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई, क्यू की वैल्यू क्या है, एन ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई, देयरफॉर एन क्या आएगा, एम जी अपॉन ई इंटू स्मॉल ई। एम का वैल्यू कितना दिया, 1.6 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, जी का वैल्यू 9.8 है, ई उसने दिया है 10⁻⁹, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, सारे वैल्यूज अपने को दिए हुए, सॉल्व करो आंसर आएगा 9.8 × 10⁻⁷। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, दिख रहा है ओरली यहाँ पे, ठीक है बच्चों, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम। यस, लुक एट दिस सम, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम इज एट रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों देखो, ये ऐसे पेंडुलम है, सोचो, है ना, पेंडुलम मतलब जिसको स्ट्रिंग और एक बॉब लगा रहता है। अभी ये पेंडुलम ऐसे,
पर जैसे ही इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वैल्यू दी है 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है ना, कितना चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻¹ कूलम। तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा क्या लगता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये पेंडुलम इधर जाएगा और इधर जाके कहीं रुक जाएगा, अब समझ रहे हो, वो पेंडुलम ऐसा सीधा नहीं रहेगा, वो कहीं ऑसिलेट होके एक डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे जाके रुक गया रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि इस पेंडुलम के ऊपर चार्ज है और उस चार्ज के ऊपर, मतलब ये बॉब के ऊपर चार्ज है और उसके उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा और वो उधर जाके रुक जाएगा। वो क्यों रुकेगा? व्हाई दैट पेंडुलम विल बी एट रेस्ट? क्योंकि अपने को इसमें समझना पड़ेगा, एक तो उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, बराबर है, दूसरा उसका टेंशन इस तरफ लग रहा है जो है t, और इस तरफ लग रहा है फोर्स qe, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रखा, फोर्स कितना लगता है qe, ये तीन फोर्स लग रहे हैं, मानते हो कि नहीं? इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पूरी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पूरा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई, बराबर है। अभी जब आप इस टेंशन को रिजॉल्व करोगे, इस टेंशन को जब आप रिजॉल्व करोगे बच्चों, तब आपको समझ में आएगा, लेट अस से दिस इज थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा t sin थीटा। तो आप सिचुएशन समझ लो, t cos थीटा जो है वो वेट को बैलेंस करता रहेगा और t sin थीटा जो है वो qe को बैलेंस करता रहेगा। अगर इसने इसको बैलेंस कर दिया, इसने इसको बैलेंस कर दिया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, और वो बॉब क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि पेंडुलम रेस्ट में है बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूँ पेंडुलम रेस्ट में है, तो गारंटेडली ये वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आई होप ये डायग्राम बहुत क्लियर हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी, ये कैंसिल हो गया, ये टैन थीटा आया, क्यू की वैल्यू उसने दी है 2 × 10⁻¹, E की वैल्यू दी है 2 × 10⁴, मास उसने दिया है 80 मिलीग्राम। तो पहला तो 10⁻³ करेगा तो ग्राम में आ जाएगा, और वापस 10⁻³ करेगा तो किलोग्राम में आ जाएगा। देखो 80 मिलीग्राम, तो 80 × 10⁻³ करने से वो ग्राम में आएगी, और वापस मल्टीप्लाई किया तो वो केजी में जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, m और g का वैल्यू 9.8। सॉल्विंग वाला पार्ट है, लॉग टेबल चाहिए तो आप यूज करो। इसका आंसर थीटा का 27 डिग्री आता है। कितना आता है? 27 डिग्री। वंस यू गेट 27 डिग्री, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। ठीक है, फिर टेंशन फाइंड करना है। अभी टेंशन का फॉर्मूला क्या, t इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन साइन थीटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर बच्चों लोग अभी लॉक टेबल थोड़ी है, जेई का समय है, तो सर बोलोगे सर हमें ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? तो इसको दूसरा तरीका सॉल्व करने का है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। टी साइन स्क्वायर थीटा, देखो ना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये और दूसरी मेथड बता रहा हूं मैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो। तो क्यू ई द होल स्क्वायर प्लस एम जी द होल स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दिया। तो t स्क्वायर कॉमन निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना रहता है 1, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, एंड आई होप इससे भी आपको आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग आता है 8.81 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो दोनों मेथड से करके देखो आपको आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, पर बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सम था ये, हमने कवर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूमेरिकल जो इसके ऊपर हम लिया है। इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर
एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है और वो रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब उसकी यू की वैल्यू कितनी है, जीरो, रुका हुआ है, और ये एक्सलरेट हुआ फ्रॉम रेस्ट, ओके, और 6 सेंटीमीटर कवर किए। एक इलेक्ट्रॉन है, मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए। क्या लगाइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है 6 सेंटीमीटर इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गारंटेडली उल्टा लगा रहेगा, मानते हो कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। बट आई होप आप लोग क्लियर हो गए इस चीज से। एज इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, मैं सोचा, तो गारंटेडली फील्ड इस तरफ लगी है। कैलकुलेट टाइम, यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। डोंट यू थिंक सो कि ये काइनामेटिक से सॉल्व हो सकता है? क्योंकि अपने को पता है एस, तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ। इनिशियली तो रेस्ट में ही है, तो ये जीरो हो गया। तो 2s अपॉन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो आंसर क्या आएगा? 2s अपॉन a। उसमें से s अपने को पता है 6 सेंटीमीटर है। हाँ, किसी भी तरह अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है? क्यू वी अपॉन एम। क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? क्यू ई अपॉन एम। तो आ गया आंसर 1.6 into 10 raised to minus 19। E की वैल्यू कितनी दी है? 2 into 10 raised to 4। और मास कितना दिया हुआ है? नहीं दिया है, पर इलेक्ट्रॉन का मास अपने को बाय हार्ट करना है, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। इसको आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर लगभग 0.35 into 10 raised to 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 into एस, एस कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, देखो मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू माइनस 2, और यहाँ पे 0.035 इंटू 10 रेस टू 16। सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर 0.585 इंटू 10 रेस टू माइनस 8 सेकेंड। तो काइनामेटिक इक्वेशन लगा के मैंने सॉल्व कर दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझा कहाँ से आया? एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स किसने लगाया? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया। किसने लगाया? फील्ड ने लगाया। फील्ड कितनी फोर्स लगाती है? क्यू ई। सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।